शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। नमस्ते सर, राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन के संबंध में नवीन दिशा निर्देश जो समस्त शिक्षकों और समस्त संस्था प्रधानों को सुनिश्चित करने होंगे उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। बात करने वाले हैं दिशा निर्देशों की, उससे पहले साथियों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। सबसे पहला नियम लिखा गया है, नगर निगम परिक्षेत्र जयपुर के समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालय जो पूर्व प्राथमिक कक्षा है कक्षा 1 से 8 के लिए 3 जनवरी से 9 जनवरी 2022 तक अवकाश रहेगा। समस्त विद्यालय इस अवधि में इन विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का प्रबंध करेंगे। सेकंड बिंदु में लिखा गया है, राज्य के अन्य जिलों के संबंध में संबंधित जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के हैं उनसे चर्चा करेंगे और उसके उपरांत ही कोई निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण संस्थान में आने से पूर्व विद्यार्थी को माता पिता से लिखित अनुमति लेना जरूरी है। अगर माता पिता ऑफलाइन के लिए चाहते हैं तभी वो भेजें, अगर नहीं चाहते तो उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाए और ऑनलाइन सुविधाएं निरंतर जारी रहेंगी। थर्ड बिंदु में लिखा गया कि विद्यालय में उपस्थित होने वाले विद्यार्थी स्टाफ एवं अन्य आगंतुक कोविड उपयुक्त व्यवहार सुनिश्चित करेंगे। विद्यालय में उपस्थित विद्यार्थी स्टाफ एवं अन्य आगंतुक भी मास्क लगाएंगे। नो मास्क नो एंट्री की पालना विद्यालय में सुनिश्चित करनी होगी। स्माइल आओ घर से सीखे ई कक्षा एवं अन्य ऑनलाइन सामग्री जो विद्यार्थियों तक पहुंचती है डिजिटल माध्यम से वो अभी भी पहुंचती रहेगी और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चाहे कोई विद्यार्थी स्कूल में उपस्थित हो या नहीं हो उसका अध्ययनरत जारी रखते हुए विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन सामग्री पहुंच रही हो। विद्यालय में समस्त शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के लिए अनिवार्य रूप से दोनों वैक्सीनेशन की डोज लगाई जानी आवश्यक होंगी। सिक्स्थ बिंदु में लिखा है, रोग वाले लक्षण रोग के जो लक्षण वाले विद्यार्थी हैं या उनके अभिभावक हैं वो कभी भी विद्यालय नहीं भेजें और तत्काल स्वास्थ्य लाभ हेतु चिकित्सक से जांच करवाई जाए। विद्यालय या छात्रावास में कोई भी विद्यार्थी या विद्यालय के किसी भी कार्मिक को कोविड के लक्षण पाए जाते हैं तो सबसे पहले उसे आइसोलेट किया जाए और साथ ही टेस्ट कराकर समुचित चिकित्सक के उपचार भी सुनिश्चित करवाए जाएं। अंतिम बिंदु लिखा गया कि विद्यालय संचालन संबंधी शेष शर्तें प्रासंगिक एसओपी 26/11/2021 के अनुसार रहेंगी जो 26 नवंबर को जारी किया गया था उसी के अनुरूप रहेंगी। साथियों यह थी खबर। खबर पसंद आती है या आगे भी अपडेट पाना चाहते हैं इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। धन्यवाद साथियों, आज की जानकारी इतना ही। मिलते हैं जल्द ही किसी नई जानकारी का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।